अब आगे देखते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसके पहले हम लोगों ने a माइनस बी देखा था, b माइनस ए देखा था। तो पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है U, यहाँ पर ये एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B। तो यदि हमें A माइनस B निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस भाग को छायांकित करेंगे और यदि हमें B माइनस A निकालने के लिए कहा जाए तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है और ये B है। तो ये जो भाग है ये प्रदर्शित कर रहा है a माइनस बी को, और यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है ये प्रदर्शित कर रहा है v माइनस ए को। यदि इन दोनों का हम यूनियन ले लें और ये जो चित्र है वो या वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट u, ये सेट a, ये सेट B। तो दो समुच्चयों का जो सममित अंतर है इसे A डेल्टा B के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मतलब है A माइनस B का यूनियन B माइनस A। तो A माइनस B में हमें क्या मिला था, ये वाला छायांकित भाग मिला था, और B माइनस A में हमें ये वाला छायांकित भाग मिला था। तो ये दोनों छायांकित भाग जो है ये A माइनस B को प्रदर्शित करते हैं, या फिर यहाँ पर जो जितने छायांकित भाग में जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या a माइनस b यूनियन b माइनस a को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि x जो है ये a डेल्टा b में बिलोंग करता है या शामिल है, तो हम ये कहेंगे कि a जो है, तो हम कहेंगे कि x जो है वो a में बिलोंग करता है, या फिर x जो है वो b में बिलोंग करता है। इसी तरीके से यदि x बिलोंग्स टू b हो या फिर x बिलोंग्स टू a, तो ये कंडीशन जो है वो इसको इम्प्लाई करती है और ये कंडीशन जो है वो इसको इम्प्लाई करती है। यहाँ पर ये वाला जो भाग है जिसको हमने शेडेड नहीं किया है ये a इंटरसेक्शन b को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा भाग जो कि इस समांतर चतुर्भुज के अंदर है उसमें से यदि a माइनस b को हम घटा दें तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक प्रश्न देखते हैं इस पर। यदि सेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5 हो तथा सेट b इक्वल टू 4, 5, 6, 7 और 8 हो, तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए a डेल्टा b। तो इसे हल करने के पहले हमें a माइनस b और b माइनस a निकालना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे, दिया गया है सेट a बराबर 1, 2, 3, 4 और 5, सेट b बराबर 4, 5, 6, 7 और 8। तो a माइनस बी निकालेंगे, तो a माइनस बी में हमें सिर्फ उन अवयवों को लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ a में है, b पर उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, तो सेट a में अवयव 4 है और सेट b में भी एक अवयव है जो कि 4 है। 5 जो है सेट a पर भी उपलब्ध है और सेट b पर भी उपलब्ध है। तो केवल और केवल दो ऐसे अवयव हैं 4 और 5 जो कि सेट a और सेट b पर भी उपलब्ध है। तो a माइनस बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे अवयव जो सिर्फ a पर है, b पर उपलब्ध नहीं है। तो 1, 2 और 3, ये तीन अवयव बच रहे हैं जिसमें हमें a माइनस बी मिलेगा। अब हम लिख लेते हैं b माइनस a। तो b माइनस a ऐसे अवयव होंगे जो केवल और केवल b पर उपलब्ध है, a पर नहीं। तो 6, 7 और 8, ये तीन अवयव ऐसे बच रहे हैं जो केवल b पर उपलब्ध है, a पर नहीं। हमें निकालना है a डेल्टा b, ये क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो यहाँ पर ये जो सेट a माइनस बी और b माइनस a है इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं। यूनियन का मतलब है सारे अवयवों को मिला देना, लेकिन यहाँ पर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 1,
टू थ्री सिक्स सेवन एट, एक दो तीन छः सात और आठ, इन सबको हमने एक साथ लिख दिया और यही यहाँ पर इस प्रश्न में ए डेल्टा बी को प्रदर्शित करता है। डिमार्गन का नियम या डिमार्गन्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे आप सेट थ्योरी में भी पढ़ेंगे और आगे की कक्षा में जब आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा, साथ ही आगे की कक्षाओं में भी इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। तो चलिए देखते हैं डिमार्गन का नियम के लिए, यदि ए बी व सी समुच्चय हो तो इसका पहला नियम यह कहता है कि ए यूनियन बी का डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डिमार्गन का नियम ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए यूनियन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये अलग अलग सेट्स पर इसका कॉम्प्लीमेंट और बीच में जो साइन यूनियन लगा हुआ है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका जो दूसरा नियम होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट या डैश लेंगे तो आपको मिल जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पर यूनियन था, ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर सेट्स का कॉम्प्लीमेंट। और इसमें तीसरा नियम है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। और चौथा नियम है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो ये चार नियम हैं जो कि डिमार्गन्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं। अब हम एक एक करके इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होगी, वो कुछ इस प्रकार है। इसमें से पहला हमें उपयोग करेंगे, यदि x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो यह इम्प्लाई करता है और इम्प्लाइड होता है कि x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। ये पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, यदि कोई अवयव a यूनियन b में शामिल है या अवयव है उसका तो या तो वो a का अवयव होगा या तो वो b का अवयव होगा। और यदि कोई अवयव a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता है तो ना तो वह ए का अवयव होगा और ना ही वह बी का अवयव होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसमें तीसरा एक कंसेप्ट होगा, यदि ए एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पर जो ए है ये ए में भी बिलोंग करेगा और ए जो यहाँ पर जो एक्स है ये ए में भी बिलोंग करेगा और एक्स जो है वो बी पर भी बिलोंग करेगा। इसी तरीके से चौथा कंसेप्ट है, यदि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ से हमें मिलेगा कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये चार कंसेप्ट है जिसका कि हम उपयोग करके इन चारों नियमों को सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नियम। पहला हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना कि x जो है वो a यूनियन b का डैश या a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट का अवयव है, तो हम यहां से लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट से हमें क्या मिल जाएगा कि x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b में होगा। यदि कोई अवयव इसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है कि वह उस सेट पे नहीं है और यहाँ पर हम देख रहे हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो हमें मिल रहा है x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पर हम उसे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x does not belongs to b। अब यदि x अपने सेट में बिलोंग नहीं करता है या a में बिलोंग नहीं करता है और सेट b में बिलोंग नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं x belongs to a कॉम्प्लीमेंट और x belongs to b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखिए x जो है वो a डैश में है और x जो है वो b डैश में है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x belongs to a dash intersection b dash।
और यहाँ से हमें कंक्लूज़न मिलेगा कि ए यूनियन बी का डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमने एक अवयव मान के चला था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में और हम उसको सरल करते आ रहे हैं, तो हमें मिल गया कि वह अवयव जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में शामिल है। तो इसका मतलब ये कि जो ए यूनियन बी डैश है, जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, वो ए डैश या ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, या फिर ये इसका सबसेट है। अब पुनः हम ये मान करके चलते हैं कि x जो है ये अवयव है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, या फिर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि x जो है वो a डैश में बिलोंग करता है और x जो है वो b डैश में बिलोंग करता है। यदि x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो, यदि x जो है वो a डैश में या a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है और x b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो यदि एक अवयव a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, एक अवयव हम लेकर के चले थे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में और वो हमें मिल रहा है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ये समीकरण दो। तो समीकरण एक व दो से हम यह लिख सकते हैं कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के, और यही हमें सिद्ध करना था। यह डिमॉर्गन नियम का पहला नियम है। अब हम सिद्ध करने वाले हैं इसके दूसरे नियम को, a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम ये मान करके चलते हैं कि माना x जो है वो a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का एक अवयव है। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यदि एक अवयव x a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये a इंटरसेक्शन b में शामिल नहीं होगा या a इंटरसेक्शन b का अवयव नहीं होगा। तो इससे इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि x ना तो a में बिलोंग करता है ना तो वो b में बिलोंग करता है। यदि x a में बिलोंग नहीं करता है तो x जो है वो a में बिलोंग करेगा, या फिर जब x b में बिलोंग नहीं करता है तो x b में बिलोंग करेगा। तो जब x जो है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वह उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। जब x सेट a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इसी तरीके से जब x सेट b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a डैश या a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वह सबसेट है a डैश यूनियन b डैश के, और इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। तो देखिए, हमने एक अवयव लेकर के चला था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में और हमें वह अवयव मिला है a डैश या a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरीके से a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। अब हम एक अवयव लेकर के चल रहे हैं x जो कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का एक अवयव है। तो इससे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a डैश या फिर x बिलोंग्स टू b डैश।
जब अवयव अपने कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो वह अपने सेट में बिलोंग नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू a डैश है तो a डैश नॉट बिलोंग्स टू a मिलेगा, या फिर यहाँ पर x बिलोंग्स टू b डैश है तो ये जो x है ये b डैश में जब बिलोंग कर रहा है तो वो b में शामिल नहीं होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं a डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो इससे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। जब सेट जब x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वह उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक अवयव हमने लिया था a डैश यूनियन b डैश में और हमें वह अवयव मिल रहा है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट पे या डैश पे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि a डैश यूनियन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश या फिर b का कॉम्प्लीमेंट। ये समीकरण दो है। तो समीकरण एक व दो से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा, और इसके लिए हमें यही सिद्ध करना था। अब इसका जो तीसरा नियम है इसे हम सिद्ध करने वाले हैं। तो तीसरा नियम का स्टेटमेंट यह है कि a माइनस b यूनियन c इक्वल टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c, ये होगा। तो माना कि एक अवयव है x जो कि a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c का एक अवयव है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो वो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b होगा। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस b और x बिलोंग्स टू a माइनस c। तो अगर कोई अवयव a माइनस b में शामिल है, देखिए हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं u और मान लेते हैं कि ये अवयव ये सेट a है और ये सेट b है, तो a माइनस b ये वाला पार्ट होता है जिसमें केवल a होता है, कोई अवयव b में उभयनिष्ठ नहीं होता। तो a से ऐसे अवयव को अगर हम हटा दें जो कि b a और b में उभयनिष्ठ है तो हमें मिल जाएगा a माइनस b, या आपने पढ़ा हुआ है समुच्चयों का अंतर। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a होगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये हमें मिलने वाला है यहाँ से। इसी तरीके से x बिलोंग्स टू a माइनस c है तो इससे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ये हमें मिलेगा। तो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a इन दोनों में हैं, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है, तो यहाँ से हमें क्या था कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट है तो उसका इन्वर्स ये जो स्टेटमेंट है वो हमें ये इम्प्लाई करेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको लिखा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो देखिए ये और ये, तो इस तरीके से x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है लेकिन वो b यूनियन c में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c, ये हमने एक पहला रिलेशन निकाला। तो x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c, तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि a माइनस b का इंटरसेक्शन a माइनस c से यदि हम लें तो ये सबसेट होता है a माइनस b यूनियन c का। समीकरण एक, देखिए हम एक अवयव लेकर के चले थे यहाँ पर और हमें वो अवयव इस सेट पे मिला है, तो इस तरीके से ये जो है वो इसका सबसेट होगा, तो हमने इसे समीकरण एक नाम दिया है। अब पुनः हम ये मान करके चलते हैं कि x जो है वो इसका एक अवयव है, तो a माइनस b यूनियन c का एक अवयव है। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो a में बिलोंग करेगा
और x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा b यूनियन c में, x बिलोंग नहीं करेगा b यूनियन c में। तो इससे हमें आगे मिलेगा x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। इससे ये इम्प्लाई होता है तो इससे ये इम्प्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखिए कि x जो है a में बिलोंग करता है लेकिन b में बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस b और x बिलोंग्स टू a माइनस c। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि अगर कोई अवयव a माइनस b में बिलोंग करता है तो वो केवल a में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग नहीं करेगा। तो वो कंसेप्ट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो आप इसे लिख सकते हैं आगे x इंटरसेक्शन, इसे आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस b और इंटरसेक्शन a माइनस c। तो यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुँच रहे हैं, वह यह कि a माइनस b यूनियन c, a माइनस b यूनियन c जो है ये सबसेट है a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c का। इसे समीकरण दो नाम देते हैं। समीकरण एक व दो से यदि ये सेट इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो दोनों सेट जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एक समीकरण एक व दो से कि a माइनस b यूनियन c बराबर होगा a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c के, a माइनस c के, और यही हमें सिद्ध करना था। अब आ जाते हैं चौथे नियम पर। तो चौथा नियम है कि a माइनस b इंटरसेक्शन c जो होगा ये a माइनस b यूनियन a माइनस c के बराबर होगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक अवयव ले लेते हैं, माना x जो कि इसका एक अवयव है, माना x एक अवयव है a माइनस b यूनियन a माइनस c का। तो इससे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस b या x बिलोंग्स टू a माइनस c। और a माइनस b थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यदि x a माइनस b में बिलोंग करता है तो वो a में बिलोंग करेगा लेकिन वह b में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या फिर यहाँ पर a माइनस c है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a दोनों पर है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x डज नॉट बिलोंग्स टू b या x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो आप इसे आगे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। देखिए यदि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करता है तो वो ना तो a में बिलोंग करेगा और ना तो वो b में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि यदि a x जो है वो a माइनस b में बिलोंग करता है तो वो पहले सेट में बिलोंग करता है लेकिन वो दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर भी वही स्थिति मिल रही कि x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है लेकिन ये जो दूसरा सेट है b इंटरसेक्शन c इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a माइनस दिस सेट b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि a माइनस b यूनियन a माइनस c ये सबसेट होगा a माइनस b इंटरसेक्शन c का। इसे समीकरण एक नाम देते हैं। ये क्यों? देखिए हमने एक अवयव लिया था यहाँ पर और हल करने पर हमें मिला कि वो यहाँ पर बिलोंग करता है। तो यह तभी संभव है जब ये सेट इस सेट का सबसेट होगा। तो हमने इसे समीकरण एक नाम दिया।
अब पुनः हम यह लेकर के चलेंगे कि x जो है वो a माइनस बी इंटरसेक्शन c का एक अवयव है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। a माइनस बी इंटरसेक्शन c में यदि कोई अवयव है तो वो सेट a में होगा लेकिन ये दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x belongs to A और x does not belongs to B या फिर x does not belongs to C। अब इसे आगे लिखेंगे x belongs to A और x does not belongs to B, इसी तरीके से या x belongs to A और x does not belongs to C। तो ये जो कंडीशन है ये x belongs to a minus b के लिए हमने देखा था यहाँ पर, तो इससे हम लिख सकते हैं x belongs to a minus b या x belongs to a minus c। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि x belongs to a minus b union a minus c। तो एक अवयव हम यहाँ पर लेकर के चले थे इस सेट पर और वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो है वो इस सेट का सबसेट है। इस तरीके से हम लिखेंगे a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस c। इसे समीकरण दो नाम देते हैं, समीकरण एक व दो से ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब ये कि दोनों सेट जो हैं वो बराबर हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c, और यही है डी मॉर्गन का चौथा नियम जो कि हमें सिद्ध करना था।